सत श्रीकाल जी, तुसी देख रहे हो अजीत टीवी ते मैं हां नायब सिंह सिद्धू। जो देख लीए तो पंजाब विच गुंडागर्दी इन्नी वध गई है कि वह किसी दे सट मार लगे मिनट नहीं लाउंदे। तो कल बठिंडा दे बस स्टैंड दे बैक साइड ते भी कुछ गुंडा अंसरां दी लड़ाई हुई अते उस विच भी कई जख्मी होए, इट्टा रोड़े चले है अते दुकानदारां दे गेट भी भन्ने गए, शीशे भी भन्ने गए। इस तरह ही बठिंडा दे बस स्टैंड विच भी एक कनैक्टर नाल ड्राइवर नाल लड़ाई हुई है अते उहदा भी सिर पड़िया गया, वो जेरे इलाज है अस्पताल विच। आपां उहनां नाल गल करांगे भी की गल होई हैगी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कैसे हो? ठीक है जी। ठीक है हुण? हाँ ठीक है। की नाम है तुहाडा? धर्मवीर सिंह है। की गल होई हैगी? पहले गल ही साडे ड्राइवर आई बिल्ला बिल्ला कहिंदे 358 नंबर, उहदे नाल ऑर्बिट वालिआं दी मर्सिडीज़ वालिआं दी कोई गलबात हुई, लड़ाई हुई है जी। लड़ाई भी कि उन्होंने मान लो हथों पाई हो रहे थे, असं उन्होंने जाके छड़ाता। वो करते करवा जो मुंडा लड़ते से उन्हें हथों पाई होंगे सी, कमीज़ फट गया जी मेरे तो। उस तो बाद इन्होंने शाम को मैं लाना सी मैसरखंड का मेला जी, तो शाम को इन्हें मैं जो मैसरखंड जा रहा सी, एक मुंडा आया कहिंदा अज तेरी लड़ाई हुई है साडे कनैक्टर नाल। मैं कहा नहीं वीर मेरी लड़ाई तो नहीं, लड़ाई तो मैं बिल्ले की हुई है। चलो इन्ना कह के वो चल गया तो मेरी गड्डी का नंबर नोट करके तो उन्हें फोन किया किसी को। उस तो बाद जो असं मैसरखाने तो वापस आ रहे थे तो सारा बाबा वाल्मीकि चौंक के गड्डी घेरन की कोशिश की, 10-12 बंदे थे ये, तो गड्डी के मूहरे भी चलो गड्डी ना रुकी, असी बस स्टैंड गड्डी लिया। उस तो बाद बस स्टैंड के मगर आ गए हैं तीन बंदे चढ़े गड्डी के, मैंने उन्होंने पूछा कि कहते तेरा ना बिल्ला? मैं नहीं भाई। चलो इन्ना कुछ के थले उतर गए, थले उतर गए, मैं भी नाल उतर गए। तो मैं जाके साडे सीनियर अफसर बैठे थे, इंस्पैक्टर साहब बैठे, मैं उन्होंने को गया। मैं ऐं करके आ बंदे आ, इन्होंने मेरी गड्डी घेरन की कोशिश की, हूँ गड्डी पुछ के मैं चढ़ के मैंने ये पुछ के तेरा ना बिल्ला? उन्होंने आवाज मार ली, उन्होंने कहने करके गल सुनो आ गए। एक साडे सीनियर राम सिंह सीगे, तो इंस्पैक्टर बलबीर सिंह, इंस्पैक्टर जस्सा सिंह, इंस्पैक्टर मनप्रीत सिंह जी। उन्होंने आवाज मारी, उन्होंने समझाने लगा कहते की गल है? कहते ऐं करके बिल्ले नाल लड़ाई हुई है। कहते लड़ाई हुई है तो चलो ठीक है, बह के समझा देंगे भी तुम आह डांगा तो आह रड़ा लैके मगर पै गए बंदे साढ़े। कहते सानू भुलेखा पै गया भी बिल्ला कि चलो जी। उन्होंने उत्तों गलबात कर रहे थे, मेरा मोबाइल पै सी गड्डी के, मैं गड्डी दूर खड़ी थी, मैं मोबाइल कढ़ के वापस आ रहा है, टेंट को आ गया से जो टेंट लगे थे मगर दी, इन्हों के कोई मुंडा आया मेरे सिर च राड़ मार के चला गया जी। हूँ जमें यह डांगा सुट लैके इस तरह फिरते ये गुंडागर्दी नहीं गई, जे इस तरह तुम तो रोज़ की रोज़ सफ़र करना है तो ऐ किस तरह चलन गड्डिया? वही तो अभी कह रहे थी सरकार तो मांग करते जी, भी प्रशासन तो ही मांग करते इन्हों गुंडा अंसरों नत्त पाई जाए, ट्रांसपोर्ट मंत्री तो ही मांग करते जी इन्हों गुंडा अंसर से नत्त पाई जाए जी। पहला तो तुम भी कहते होर भी कहते भी सत्ताधारी पार्टी हैगी करके गुंडागर्दी करता, हूँ तो सत्ता च भी है नहीं तो फिर भी गुंडागर्दी इन्नी चल रही इन्हों की? ये कुछ समझ तो बाहर आई है गल भी पे सके, चलो आम आदमी पार्टी सरकार आई है, गुंडा मान लो अंसर जोड़े कर रहे काम ये घटूगा हूँ, पर यह तो होर बद रहे जी। मैं मेरे ऑन ड्यूटी इन्हों बंद ने मेरे सट मारी है, मैं प्रशासन तो अपना ट्रांसपोर्ट मंत्री तो मंग करदा भी इन्हें सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए, जो कानूनी कार्रवाई बनती है इन्हें परचे किया जाए। हाँ जी सरकारी ड्यूटी करे, मैं गेड़े लाने से मैं तबाता इन्होंने 8:30 बजे मैं 6:30 चलाने से गड्डी। जो देखा जाए कल भी इतने जो बस स्टैंड के मगर इन्ना मतलब के लड़ाई झगड़े हुए है, दुकाना के शीशे भी तोड़े गए है, तो रोज़ ही रोज़ कतल हो रहा पंजाब च, की कहना चाहोगे? गुंडागर्दी इन्नी किन्नी वधी पई है जी? बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी वधी हुई है। मान लो शाम को ड्यूटी करके घर जाने तो यह डर हों भी घर पहुँचा कि ना पहुँचा जी, तो असं साडा टाइम ही है सुबह 4 बजे आना घरों, रात को फिर 10 बजे 11 बजे घर जाना, इन्ना डर लगता गा घर जाने वेले भी पता नहीं घर पहुँचा कि ना पहुँचा, इन्नी गुंडागर्दी वधी हुई है जी। हुण मुख्यमंत्री तो की मंग करते होंगे भी किस तरह का करे? मैं मुख्यमंत्री तो ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब को बेनती करता भी यह जो गुंडा अंसरों नूं नत्थ पाई जाए जी, सानूं सुरक्षित किया जाए। ये सुन चुके हो कि वीर दे जिहड़ा इह ड्राइवर हैगा PRTC ते इन्हां दे भी कल राड़ मार के इन्हां नूं जख्मी कर दिता गया, क्योंकि गुंडागर्दी इन्नी वधी हुई है कि हर रोज़ यह जिहड़े शहरां च पिंडां च तुरे फिरदे ते जदों भी कोई व्यक्ति मिलदा हैगा जां मामूली झगड़ा हो जांदा तो यह यह भी नहीं देखते भी इस नाले की मौत भी हो सकती है, जिस तरह वीर दे राड़ मारी है सिर च यह अणहोणी भी हो सकती सी, पर परमात्मा का शुक्र है कि बचा रहा। अते इन्हां ने मुख्यमंत्री तो मंग की है कि इस तरह के गुंडागर्दी ते ठल पाई जाए, पुलिस नूं खुले अख्तियार दिते जाण।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਜੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਠਿੰਡਾ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਪੀਪੀ ਚੌਂਕੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਫਟਰ ਈਵਨਿੰਗ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਧਰਮਰਾਜ PRTC ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਜੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ 'ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।